बैग अंदर घुसा था। मुझे क्या पता कि इसके अंदर ये वॉलेट होगा, ये सब्जी वगैरह था तो मैं इसके साथ ही इसे डाल दी थी। इधर भी मल्टीप्लेक्स, शमशेरा देखने के लिए, शेर देखेंगे या शम देखेंगे। इधर तो मछलियाँ पकड़ रहे लोग, और ये देखे वाटरफॉल जा रहे हैं इधर उधर ही। हम लोग हर वीक वीकेंड वाटरफॉल जा रहे हैं, इधर रोड पे आ गए तो यही वाटरफॉल है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग, और उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज का ऑनेस्टली दिन कुछ प्लान्ड आउट नहीं है, थोड़ा सा लेट में उठे हैं एंड ब्रेकफास्ट अभी हो रहा है, मतलब अभी जस्ट 10:15 हो रहा है, ब्रेकफास्ट हमने अभी किया है। एंड बाहर जाने का ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान है नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा, एक आधे छोटे छोटे काम है जो हमको निपटाना है तो हम उधर जाएंगे। एंड एक और मेजर चीज़ जो है, काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे इसको करने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ ब्लॉग से, मतलब हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको सजेशन दिया कि व्हाई डोंट यू यूज़ अ माइक। तो ऑनेस्टली हम लोगों ने आज तक माइक यूज़ नहीं किया, हालांकि एक माइक हमारे पास काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट अबाउट अ ईयर खरीद के रखे हैं, लेकिन उसको यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो बोया MM1 वो माइक है, एंड अभी जो मैं ये शूट कर रहा हूँ ये विदाउट माइक है। तो एक टेस्ट में वो भी कर लूँगा, एंड डेफिनेटली आई थिंक सो साउंड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉगिंग के लिए, तो हम लोग उस चीज़ को अभी ध्यान देंगे एंड होपफुली आज से हम लोग माइक यूज़ करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, GoPro का कोई सेटअप नहीं है माइक यूज़ करने के लिए, तो GoPro में डायरेक्टली वैसे ही यूज़ करते हैं। एटलीस्ट फ़ोन के साथ तो जब भी करें व्लॉग तो डेफिनेटली हम लोग ये करेंगे, माइक के साथ करेंगे। तो एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको दिखा दूंगा, आई थिंक सो टेरेस पे जाके बेटर रहेगा, क्योंकि वो बेटर समझ में आएगा कि आउटडोर सिचुएशन में माइक कितना हमको सूटेबल है। तो चलिए एक वो चीज़ दिखा देता हूँ, और बाकी तो आज घर का काफ़ी काम पड़ा है तो फटाफट वो करने में हम लोग लगेंगे। साफ सफाई का काम है। सुबह से मेरा वॉलेट गायब है, अभी पूरा घर खोज लिया है, किधर भी नहीं है। कहाँ कहाँ रख देते थे, गाड़ी में भी नहीं है, अभी गाड़ी में भी नहीं है, नहीं है। मेरा पुराना बीमारी है सामान छोड़ने का, देखा है तुमने, उधर देखो, इधर देखो, बेड पे देखो, बेड पे तो नहीं, अभी तो छोड़ छोड़ा। कल कहाँ कहाँ गए थे याद करो। चिकन लेके आया, अकोड़िया कौन आलू सुपर डबर देख, बैग रखी रखी थी लगी जो आलू वाला वन पिलो बैग आलू बैग तू बैग भीतर पूरे ही चुरे। हां कौन है तू, कल ही पुंडी ना पता पिला ठंडा पूरा ठंडा हो गया, ये एटीएम काम करेगा कि नहीं अभी देखा, ठंडा ठंडा एटीएम ये तो मेरा काम है। लेकिन बैग को तुमको अंदर घुसाने का क्या जरूरत है, कि जाना है अच्छी बोली, मेरे को पता नहीं था, मैं ऐसे बैग अंदर घुसा, मुझे क्या पता कि इसके अंदर ये वॉलेट होगा, ये सब्जी वगैरह था, पुदीना था, तो मैं इसके साथ ही इसे डाल दी बैग के साथ। तो दो अभी फिर घुसा दी अंदर, हे प्रभु ठंडा पर्स, हाँ सर भीतर पूरा तू फाइनली फ्रीज हो गया, निकला है मेरा पर्स, ये तो सब काम है हम लोगों के। आज इधर क्या ट्रैफिक हो गया, इधर तो कभी ट्रैफिक नहीं होता है, एक्सीडेंट हुआ है, ओहो कोई लेडी गिर गई है, ये साइड पर बैठी है, उसकी वजह से सारा ट्रैफिक। अब लोगों को जाना वाना है नहीं, हेल्प तो करना नहीं है, खाली खड़े होकर देखना है तमाशा। एक नया नर्सरी मिल गया हम लोगों को, ठीक उसी जगह से आगे आने से जो KVU सर्कल के पास में, हम लोग पहले अंदर जाते थे, ये थोड़ा सा पहले की तरफ है, तो उन्होंने भी काफ़ी एक्सपेंड किया, धीरे धीरे बढ़ा रहे काफ़ी ज़्यादा। तो हमको चाहिए था एक कड़ी पत्ता, तो ये मिल गया एक बड़ा वाला,
ये ज़रूरी है हम लोगों के लिए। चलिए ये तो ले लिया, अब चलते हैं घर। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि एक माइक्रोफोन है जो टेस्ट करना था, तो अभी टेरेस पे हूँ और हवा वगैरह उतनी तो चल नहीं रही है, लेकिन आजू बाजू का नॉइज़ तो डेफिनेटली जो है एम्बिएंट नॉइज़ तो है। माइक अभी फिट नहीं है एंड जो इंटरनल माइक्रोफोन है, ये जो कैमरा जो फ़ोन का इंटरनल माइक्रोफोन है वो है उस तो उससे रिकॉर्ड हो रहा है। एंड फ़ोन भी बता देता हूँ आपको, ये वन प्लस का नॉट 2 है एंड ये जो नॉर्मल व्लॉगिंग डिस्टेंस है उससे मैं बात कर रहा हूँ। एंड माइक कनेक्टेड नहीं है, तो ये नॉर्मल माइक्रोफोन का ही वॉइस है। तो अभी जो अगला रहेगा उसमें आप सुन पाओगे कि माइक कनेक्ट होने से उसका कैसा ऑडियो आउटपुट होता है। इसको हम लोगों ने बिल्कुल टेस्ट नहीं किया, मतलब ख़रीदने के बाद ही ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी चलिए, आई थिंक सो एक सजेशन, जैसे मैंने बोला कि एक सब्सक्राइबर का सजेशन भी आया था कि आप माइक यूज़ कीजिए, तो माइक यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसा आगे इसका आउटपुट निकलता है। तो अब माइक कनेक्टेड है और जैसा आप देख पा रहे हो मैं टेरेस पे ही हूँ एंड थोड़ा बहुत एम्बिएंट नॉइज़ है एंड जो डिस्टेंस है वही वन आर्म डिस्टेंस जो हम लोग ब्लॉग करते हैं उसी में है। एंड थोड़ी थोड़ी हवा अभी चल रही है और बारिश का भी माहौल है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, इनफैक्ट हल्की बूंदाबांदी हो रही है। एंड जो आप ऑडियो भी सुन रहे हो डायरेक्टली माइक से है, जो बोया MM1 शॉटगन माइक है ये, एंड ये पावर्ड माइक नहीं है, नॉन पावर्ड माइक है। एंड कितना डिफरेंस है वो आई थिंक सो इस रिकॉर्डिंग के बाद ही हमको पता चलने वाला है। एंड देखते हैं, आई थिंक सो एक बार इसका रिजल्ट पता चलेगा तो हमको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ माइक को यूज़ करना है नहीं करना है, क्योंकि जो फ़ोन का इंटरनल माइक्रोफोन है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा वॉइस पिकअप करता है। बट देन डेफिनेटली अगर माइक कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली बेटर हो ही जाता है। तो अब आप बताइए कि पिछला वाला ऑडियो बेटर था या ये ऑडियो बेटर है। तो अभी हम निकले हैं भाई साहब का लैपटॉप लेने के लिए लेगा आज कि नहीं लेगा? लेंगे, लेगा, पक्का है, पक्का है, आज लेना पक्का है। हाँ। पार्टी देना पड़ेगा ना? बारिश तो इस कदर से हो रही है कि उसका हिसाब नहीं, बहुत ज़्यादा है। मतलब हाई अलर्ट पे है तेलंगाना एक्चुअली। बीच में दो दिन धूप हुआ था, गर्मी थोड़ी लगी, फिर खतरनाक वाली बारिश हो रही है। और अभी जा रहे हम खाने के लिए, खाने के लिए 3 बजने वाला है, अभी जा रहे हैं। रुक जा भाई, उड़ के आते हैं लोग। भाई लेट हो गया खाने में, खाने में अभी तक तो नहीं खाए हैं, अभी तक खाए नहीं, जा रहे हैं। तो आज हम लोग खाएंगे मंदी, चिकन फ्राई मंदी, फहम मंदी। जब से इसको फहम मंदी जुबान पे टेस्ट चढ़ गया, फहम मंदी। तो फ्राइड मंदी तो नॉर्मल चिकन फ्राइड है एंड फहम मंदी इज लाइक द रोस्टेड चिकन मंदी एंड वो बहुत टेस्टी होता है। स्पेसिफिकली क्या है इसका नाम भूल जाता हूँ मैं जगह का, mandi.com। वो मतलब अभी तक तो आई थिंक सो वारंगल के पूरे एरिया में वो जगह बेस्ट है खाने के लिए, मंदी के लिए तो वो सबसे बेस्ट है। चलिए आपको दिखाते हैं फहम मंदी का शक्ल। मेन ऑर्डर आने से पहले ये यमी सा एक सूप आपको दे दिया जाता है जो कि काफ़ी टेस्टी होता है एंड ये है वो फहम मंदी चिकन। तो बेसिकली ये एक रोस्टेड चिकन है और ये बहुत फ्लेवरसम, बहुत टेस्टी होता है। साथ में राइस बहुत फ्लेवरफुल, उस पर किशमिश रहेगा एंड देन फ्राइड अनियंस रहेंगे, मिला जुला के बहुत टेस्टी होता है ये। मेयोनीज देते हैं, गार्लिक मेयोनीज होता है, ये टमाटर की चटनी है और ये क्या है मुझे भी नहीं पता। और हमारा खाना हो गया है ख़त्म और उसके बाद हमने ऑर्डर किया एक थम्स अप
और मेरे लिए ये एक गोली सोडा लेमन फ्लेवर का, जो कि बहुत टेस्टी था। ठीक कर, अच्छा था बाल ठीक कर। खाना खाने के बाद निकल गए घूमने के लिए हम लोग विद द टीम, और जा रहे थे थोड़ा चक्कर मारने के लिए मुलुगु की तरफ। रोड बहुत सुंदर लग रहे हैं बारिश के बाद, और आगे एक स्पॉट है, वो गए थे पिछली बार हम लोग वहाँ पे पिकनिक करने के लिए, पानी वहाँ पे मछली वगैरह बिक रहा था तो हम लोग वहाँ से भाग गए थे, तो वो पूरा भर जाता है पानी वहाँ पे, तो जा रहे हैं एक बार देखने के लिए, ऐसे दर्शन करके आएंगे। व्यू मस्त है दी, ये टाइम का व्यू बढ़िया रहता है यार, कभी भी मॉनसून का व्यू इज लाइक ऑलवेज ब्यूटीफुल। ये तो देखो ये जगह, देखो नहीं जाएंगे, गाड़ी लगा के देख के आएंगे, चल देखो वाह। अरे अरे आगे गए थे, बाप रे बाप, हम लोग उधर अंदर अंदर तक गए थे यार, कितने अंदर उधर अंदर तक गए थे हम लोग, उधर दूर तक, यहाँ देखो वाटरफॉल, और इधर तो वाटरफॉल चालू हो गया है, राइड हो जाओ। अरे खाई नीचे खाई है राजी, बाप ये देखो हालत, माय गॉड ये है बारिश का असर, ये हमेशा ऐसे ही होता है, वाटर फ्लो ओवरफ्लो, प्रेशर प्रेशर तो देखो, प्रेशर हैवी, जीवा जीवा क्या स्पीड में जा रहा है पानी, दिस इज डेंजरस, दिस इज रियली डेंजरस, मजा भी आ रहा है, डरावना भी दिख रहा है, स्पेशली वो सब जगह पे, मतलब ये देखिए खतरनाक है भाई, तो अभी हम लोग आए हैं श्रीदेवी मल्टीप्लेक्स मॉल, श्रीदेवी मल्टीप्लेक्स शमशेरा देखने के लिए, शेर देखेंगे या शम देखेंगे, बुरा जोक हो गया, अच्छी जगह है, यहाँ पर एक आई थिंक एक बार पहले भी आया था ना देखने के लिए मूवी, नाइस प्लेस। Forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed.